वेलकम शिल्पी की दुनिया। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन पे क्लिक करके, और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। आज मैं बनाने जा रही हूँ मूली के पराठे। अगर आपसे स्टफिंग वाले मूली के पराठे बनाने में दिक्कत आ रही है और टाइम कम है आपके पास, तो बिना स्टफिंग किए हुए मूली के पराठे बनाते हैं। तो चलिए मेरे साथ, ये मूली को मैं घिस लेती हूँ अच्छे से। तो मूली को मैंने घस लिया है, इसके साथ इतनी मेहनत नहीं करनी होगी, इसे पानी नहीं निकालना है, मूली का पानी जो है वो निचोड़ना नहीं है हमें। अब देखिए, हरी मिर्च जो एकदम बारीक कट करके रखा है मैंने, ये रही अदरक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से अदरक डाल सकते हैं, मैं थोड़ा सा ज्यादा डाली हूँ, ठंड का मौसम है। ये रहा अजवाइन, और अगर आपको अदरक नहीं मन है डालने का तो नहीं भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अजवाइन, ये मंगरेला, ये बारीक कट करके मैंने एक प्याज डाला है, नॉर्मल साइज सबके प्याज है मेरे, ये हो गया। अब इसके साथ कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी हम इसमें नमक डाल सकते हैं, पानी जाए निकलेगा तो अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि आटे गूंदने में काम आएगा। तो इतना नमक डाल देती हूँ मैं, आप स्वाद अनुसार नमक डालिएगा, जितना आटा डालेंगे उस हिसाब से। थोड़ी सी घी डालूंगी इसमें मैं, एक चम्मच घी, अब थोड़ा सा फ्लेवर के लिए हींग, और फ्लेवर और पचने के लिए, अच्छे से पच जाएगा अगर आप हींग डालिएगा तो। ये मेरा गोल्डी का हींग है, बहुत अच्छा है गोल्डी का हींग। अब मैं इसमें इसको मिक्स कर लेती हूँ एक बार, इसके बाद मैं इसमें आटा डालती हूँ। अब इसे अच्छे से गूंद लेती हूँ, देखिए आटा डाल दिया मैंने इसमें। पहले इसको मिक्स कर लीजिएगा, जितना पानी, जितने पानी की जरूरत पड़े उतना ही पानी हम डालेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो है मूली के अंदर से प्याज, इसके अंदर से सब जो मटेरियल है, इससे नमक पानी छोड़ेगा। नमक डाल रखा है मैंने तो पानी हल्का हल्का छोड़ेगा, तो आप बस ध्यान दीजिएगा कि ये पानी छोड़े, और हम इसमें हल्का हल्का ही पहले मिक्स करके फिर हम पानी डालेंगे, आराम आराम से देख के, बहुत ज्यादा पानी एक बार में नहीं डालिएगा। आटा को लगा के हम रख सकते हैं। ये मेरा आटा लग गया है, ये हल्का सा सेट हो जाए 10 मिनट के लिए, मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ। ऐसे तुरंत भी बना सकते हैं, पर 10 मिनट छोड़ देंगे तो और अच्छे से बनेगा। तो देख लीजिएगा, थोड़ा टाइट रहेगा आटा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पानी अंदर से फिर छोड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा। ऐड करती हूँ मैं पराठे, मैं छोड़ रही थी थोड़ी देर, अब देखती हूँ आटा मेरा कैसा है। तो एकदम सेट हो गया है, सही है आटा, थोड़ा सा हार्ड रखिएगा क्योंकि गीला हो जाएगा। वैसे अगर थोड़ा गीला होगा भी तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें स्टफिंग तो करनी नहीं है हमें, भरना नहीं, बता ही नहीं सकती मुझे कि आज मुझे कितनी खुशी मिल रही है। मुझे ये मेरे, मुझे पता नहीं था इतने लोग मुझे देखेंगे और मुझे पसंद करेंगे, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतने इतने जल्दी मुझे लोग देख रहे हैं मेरे चैनल। तो आप देखिए, मैं इसे बेल लेती हूँ, ये थोड़ा बड़ा बड़ा भी बना सकते हैं और छोटा भी बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसी पूरी खाते हैं। पर थोड़ा रोटी से तो थोड़ा मोटा होता है पराठा, मूली का पराठा बिना स्टफ किए हुए, बिना पानी निकाले हुए मूली का इतना अच्छा पराठा बन के रेडी है। पता है मुझे इतना अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने में, लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मुझे बहुत। अब मैं एक तो आप लोगों को गोल शेप में बना के दिखा रही हूँ, अब एक पराठे के शेप में भी आप बना सकते हैं, जिन्हें ये शेप पसंद है पूरी वाला वो इस शेप में बनाएंगे, और जिन्हें पराठा जैसा पसंद है। अब देखिए, इसके ऊपर घी लगा दिया है मैंने, हर लेयर पे लगा दीजिए,
इसको एक बार पलट लेती हूँ। तब तक उधर पक चुका है ये, अब पराठे के शेप में मैं इसे बेल लेती हूँ। आप जिस तरह वाला पराठा पसंद करते हैं, जो शेप में आपको अच्छा लगता है बनाना, खाना पसंद है पराठा में बनाना चाहते हैं, तो आप पराठे की तरह बेल के बनाइए। नहीं तो इसको बेलना भी एकदम इजी है, कहीं से फटने का झंझट नहीं है कि फट जाएगा हमारा पराठा। तो अगर जो बिगनर्स हैं तो वो ये वाले पराठे बना सकते हैं, बाकी टेस्ट तो सेम है। तो थोड़ा सा दोनों में अंतर हो जाता है, स्टफिंग का अलग मजा है और इस वाले पराठे का अपना अलग मजा है। इसमें भी हर फ्लेवर पता चलेगा, पूरा कोई रस नहीं निकाला गया है, तो पूरा टेस्ट मूली का टेस्ट आएगा और उसमें स्टफिंग का टेस्ट आता है। तो आप दोनों ही वीडियो मैंने शेयर किया है, आपको जो भी अच्छा, जो भी आप पसंद करते हैं जिस तरह वाला, आप उस तरह खा सकते हैं बना के। तो ये देखिए मैं बना रही हूँ, आप लोग थोड़ा हाथ से ध्यान दीजिएगा, बहुत लोगों का हाथ जल जाता है। पर आप लोग मेरे YouTube चैनल को देख रहे हैं, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आप लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए बहुत थैंक यू। आप प्लीज आप लोग अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर से भी शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। अब इसके ऊपर घी लगा देना। ये हो गया मेरा पराठा, देखिए कितना सुंदर सा फुला है, मैं आप लोगों को अपने हाथ से दिखाती हूँ, ये कितना अच्छा फुला है, आप लोग देख सकते हैं। ये भी फुलता है बहुत अच्छे से और बहुत टेस्टी लगने वाला है। सबसे ज्यादा अच्छा है कि इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा और जल्दी से बन जाएगा, जिनसे भरने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, और बहुत ही स्वादिष्ट लगने वाला है। तो आप लोग भी बनाइए और खाइए और मुझसे जरूर बताइए कि आपका पराठा कैसा बना है, और इसी तरह मेरे चैनल को आप लोग देखते रहिए। देखिए एकदम स्टफिंग जैसा फुला है ये पराठा मेरा, मैं आपको दिखा रही हूँ। अब ये पराठे के शेप का, एकदम पराठे के शेप का है ये। ये हो गया, ये गया इसमें, इसको भी सेम इसी प्रोसेस में मुझे तो सबसे पहले पराठा एक बार मैं पलटी, तो आप देखिए ये गर्मा गर्म खाने के लिए रेडी है मेरा। तो ये एक बार मैं पलटी, ये बहुत ही, देखिए अब ऐसे देख लीजिएगा कि देखिए ऐसे हल्के हल्के ब्राउन से निशान आने लगेंगे। तो उसमें अब घी आप जितना पसंद करते हैं उस हिसाब से देसी घी डालिए और मजेदार पराठा मेरा रेडी है मेरा पराठा। देखिए फुल एकदम से इतना टेस्टी सा दिख रहा है। अब देखिए मेरा पराठा रेडी हो गया है। अब मैं इस पराठे को आपको दोनों साइड लगाना है घी अच्छे से, तो आप दोनों साइड लगाइए, और वैसे भी ठंड है, ठंड में घी खाना चाहिए, तो घी लगाइए और खाइए। देखिए बन गया मेरा पराठा, ये रेडी है मेरे पराठे। ये पराठे के शेप में है और ये पूरी के शेप में। तो आप जिस तरह से ये रोटी के शेप में, आप जिस तरह से ये पराठे बनाना चाहते हैं उस तरह से बना सकते हैं और खा सकते हैं। ये पराठे बहुत अच्छे हैं, बहुत टेस्टी हैं, आप लोग भी बनाइए और खाइए सॉस के साथ, सब्जी के साथ, जिस चीज के साथ आपको पसंद है उस तरह से आप खा सकते हैं, और ऐसे भी खा सकते हैं, बच्चे तो सॉस के साथ ही खा लेते हैं। एकदम परफेक्ट बना है, बहुत टेस्टी है, और आप लोग भी खाइए और बनाइए और इंजॉय कीजिए। और अगर आप लोगों को ये पराठा पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा।
थैंक यू सो मच, मेरे चैनल को यूं ही देखते रहिए।